थी हमारे प्रदीप साहब की बात, मैंने चुनाव में देखा था, मैं तो सिकल भी भूल गया कैसी थी। अच्छा। कई बार प्रयास करा उनसे मिलने का, कुछ जन समस्याएं थी गांव में, सामने गली में पानी भरता है, एक घड़नचा हमारे गांव में एक इंटी भी लगाई हो, मिलते ही नहीं। मैं तो प्रदीप जी को, एमपी साहब को एक बात कहना चाहूँ, बस एक छोटी सी बात है और काम की बात है। जो हमारे गन्ने का मूल्य रेट है 350 रुपये, डॉक्टर के पर्चे का रेट है 600 रुपये, बस हमारे गंडे का रेट डॉक्टर के पर्चे के बराबर करवा दे, हम तो जीव जाने। प्रदीप चौधरी को क्या है? इनका प्रदीप चौधरी हमारे गांव में तुम पहले वादा करके देख, हम आगे कुछ देखेंगे तेरी समस्या सुने, लेकिन आज तक गांव में गए हमारे शहर में ही देख के हमने कभी, ये पता नहीं है या नहीं है यहाँ की। अच्छा। इस समय शामली में हूँ और बात है 2024 को लेकर, और मेरे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं सभी किसान लोग, अब किसानों से बातचीत करते हैं कि 2024 में कैसे देखते हैं, लेकिन शामली में जो सांसद साहब हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी जानेंगे कि उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, क्या उन्होंने कोई काम बेहतर किया या नहीं किया। और अब की बात उनके सामने अगर जो देखा जाए तो नाम चल रहा है इकरा हसन, कि इकरा हसन को अगर जो यहाँ से टिकट मिल जाता है तो कैसा माहौल बनेगा, और इकरा हसन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो तमाम लोग इनसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है जी? नीलम सिंह। नीलम सिंह, हाँ जी। क्या लग रहा है जी, 2024 आ गया, आ गया, आ गया। अब तमाम पार्टियां एक होगी, क्या लग रहा है जी किस तो वोट दोगे? हम तो दूसरी पार्टी को देंगे, भाजपा को बोल को वोट नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे जितने सांसद जी आए हैं, वह क्या नाम इनका, प्रदीप चौधरी, हमारे गांव में तुम पहले वादा करके देख, हम आगे कुछ देखेंगे तेरी समस्या सुने, लेकिन आज तक गांव में गए हमारे शहर में ही नहीं देखे हमने कभी। अच्छा। ये पता नहीं है या नहीं है यहाँ की। अच्छा। हाँ, तो हमारी समस्या का हल जो कोई करेगा हम तो वोट उसे देंगे। साफ सीधी बात, एक भी बार नहीं आए आपके पास? आए नहीं, काम तक भी नहीं आया, तक एक भी नहीं आए। हाँ, देखिए भाई चुनाव के टाइम पर दिखे हैं, उसके बाद वहाँ तो दिखे नहीं, कमाए हैं हमारे खास सांसद एक नहीं, मतलब वोट लेने तो आए उसके बाद नहीं आए ही नहीं। और मैं तो कह रहे हैं मैं तो सबके पास जाता हूँ, सबके समस्या, कोई भी काम में अगर हमारे बता दे कोई भी काम में आया वो भाई। अच्छा। बताइए किसी ने भी अगर सिकल देखी हो उनकी कोई भी। अच्छा, जैसे अब कहा जा रहा है कि उनके सामने एक राशन को उतार देना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है कि जीत उनकी सुनिश्चित होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा। बिल्कुल नहीं होगी भाई, अरे किसान तो मार दिया न जी, मारा तो एक, ये तो हमारी गन्ने की तो पैदावार है आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या, उसका समय पर हमारे टाइम पर कोई पेमेंट नहीं मिल रहा, लेना नहीं देना नहीं, बच्चों की कहाँ था फीस भरे, कोई अपने किसान को मजदूर है अपनी मजदूरी क्या मांगने गए, अब तो 1500 तो हमारे कुछ भी जाओगे, हम जावे मेरी मजदूरी दे। अच्छा। और किसान का एक साल का 20,000 रुको बढ़े कहाँ तो देंगे, किए करेंगे हम, कहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, किए करेंगे, उनकी फीस भरे, बिल वाले कह रहे हैं अपना पेरेंटी लगा के दे दें बिल की भाई, हमारी कोई पारंटी हमें भी आज तक नहीं मिल पा रहा, हमें कोई आगे कोई सोच, तो सरकार हमारे लिए करके आ रही है, बोल लो कुछ नहीं कर रही। हाँ, कुछ नहीं कर रही, हम नहीं मान रहे, परेशान कर दिया है, बिल्कुल बेहद परेशान कर दिया भाई। क्या नाम है जी? अरविंद। अरविंद जी, एक बात बताओ, इकरा हसन जो है नाई दसन की बहन जी, अगर जो उन्हें सांसदी का टिकट दे दिया जाए तो क्या उनकी जीत हो जाएगी? जी, जीत का तो हमें पता नहीं, पर हमें लगा प्रदीप को वोट नहीं मिलता है अंतर दे। अच्छा। प्रदीप हमने देखा ही नहीं कैसा है प्रदीप, हाँ। ना कभी किसानों को यहाँ लोकसभा में नहीं बोलता, मैंने यहाँ नहीं बोलता, हमें तो लगा जब भाजपा का प्रतिनिधि बन का हुए वो गुंगा बन जाओ, वो मैंने विधायक रहा अंतर दे, यू तेजिंदर निर्वाल यू नहीं बोलिया, यू नहीं बोलता, किसान तो मैंने दुखी है, ये तो कहते 15-15 लाख रुपये खाते, मैंने किसान इन लोग गड़े मतलब कर्जे में तैर दिया उन्होंने। अच्छा। मुख्यमंत्री को पता नहीं, मान लिया तो श्यामली जिले की फैक्ट्री पेमेंट नहीं दे रही है। अच्छा। मान लिया डॉक्टर के हरज मरज भी है, बिजली वाले कनेक्शन काट दे, बच्ची की पढ़ाई कहाँ दे देंगे, हमारा पेमेंट है ना, एक महीने का पेमेंट है, 7-6 महीने का पेमेंट पका है हमारा। अरे तो कह रहे 15 दिन में पेमेंट वापिस आ जाएगा, ये वही तो हमका मुख्यमंत्री को पता नहीं इस चीज का, ये तो झाड़ का कारण बनेगा, भाजपा खुद बनेंगे। अच्छा। मैं लग कि यहां तक किसान मजदूर कोई भी इनकी साथ नहीं लगने का है जी, हम तो पेनल्टी में फाइन में उलझ कर रह गए, बिजली का बिल ना तो पेनल्टी लग जाएगी, बच्चों भेजना तो फाइन लग जाएगा, बता कहाँ दे, हम तो इस पेनल्टी में फाइन में उलझ रहे, और हमारे पास का कुछ नहीं रहा। 2000 रुपये बिता रहे होंगे अकाउंट में, है 2000 रुपये बिता रहे होंगे अकाउंट, 2000 रुपये देखे हो, 2000 टमाटर 40 रुपये किलो है रहा, तो 2000 में बता के अब तो फायदा हो रहा, आपका तो नहीं आते किसी किसी के आवे सबके नाते में, जो महंगा बिक रहा है वो तो थारा फायदा हो रहा है। नहीं, हमारा फायदा हमको ना टमाटर का, हम तो गन्ने की खेती करे, गन्ने का हमारा पैसा नहीं मिलता। अच्छा। गन्ने का हमारा पैसा नहीं मिलता, गन्ने की पेमेंट तो रोज हो रही, कहाँ हो रही, एक हफ्ता सवा महीने में खत्म हुआ था,
किसी किसान की हफ्ते में दो पर्ची, किसी की तीन पर्ची, किसी की चार है, चार दिन का पेमेंट दे, चार माती नहीं, एक लाइन में खड़े रहते, पर्ची नहीं मिलाती थारे तब भी हम होते देते लाइन में खड़े हो पर्ची के हमारे कभी भी। अच्छा। हाँ पर्ची के हमारे कभी लाइन में खड़े नहीं हुए हम। अच्छा। हमें तो पर्ची तो खूब मिली थी, हमारा पैसा भी खूब मिला था। अच्छा। परी राणा ने वो कर दिया सब कुछ यहाँ के, सुरेश राणा ने काम खराब, हाँ सारा काम खोया। अच्छा। जो उस टास्क के थी गन्ना मंत्री बना भाई इलाके में, इलाके का नहीं तो मंत्री बना था वो, अखबार अपने जिले की समस्या सुना का उसने तो और भी पैर पीट दी उनकी, और खत्म कर दिया है जी, खत्म कर दिया बिल्कुल, बिल्कुल खत्म। अपने जिले का नोहिता बना, नोहिता बना था मुख्य मतलब उसको वो गन्ना मंत्री नोहिता बना था, अगर अपने जिले को भरा का उन्हें तो और धरती में ताड़ दिया, और खत्म कर दिया, धरती में ताड़ दिया बराबर में। मुझे बनाकर है पहले शामली हिस्सा, मुझे बनाकर गई था एक फैक्ट्री का न्यू मुडाना का छः फैक्ट्री, उसमें से मतलब पांच फैक्ट्री का प्रॉपर फैक्ट्री हो रहा पेमेंट, दो महीने तीन महीने तक फाइनल हो रहे हुए यही तो नाराज किए। हाँ आप कह रहे 2000 रुपये आवे, 2000 रुपये मैंने बताओ क्या हो, बता दो 2000 रुपये में काम कर लो, करी सरकार अपना कुछ तो मिल रहा हूँ क्या हो, एक बच्चे की फीस 4000 रुपये जा महीने में है, मैं आवे 2000 रुपये साल भर में आया 4000 रुपये है, और वो तो एक महीने की फीस का पूरा निपटते है, बताओ 2000 का पैदा क्यों रहा है, क्या लग रहा है जी सरकार आ रही है कि जा रही है? सरकार तो जाओगी जी, जैसे काम इनके हो रहे हैं सरकार तो कोई होने का मतलब ही नहीं इनका, तो बेहतर काम कर रही है वो? नहीं बेहतर कुछ नहीं कर रही, बेहतर ये कर रही जी आवारा पशु जो है हमारी फसल को खाया जाओ सबों में, रातु पहरा देना पड़े फसल का। अच्छा। ईंख में भी जार रोजाना काटने पड़े, जो आ रहे हैं वह खा गए, पेमेंट जो है टाइम पे नहीं होता। अच्छा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई या घर में और हरी बीमारी है, बिजली के बिल वगैरह भरने तो कहाँ से भरेंगे, मतलब परेशानी ज्यादा, परेशानी ज्यादा है जी, किसान किसान ज्यादा परेशान है, किसान ज्यादा परेशान है जी, है जी किसान ज्यादा परेशान है, हाँ ज्यादा परेशान है, तो उसके साथ साथ बच्चे अग्निवीर लाके बच्चे बर्बाद कर दिए, युवा बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, ये फायदा हो गया उसमें तो तू 4 साल बाद आओगा अपना काम करेगा बिजनेस करेगा, युवा बर्बाद कर दिया 4 साल करके, वहाँ हथियार चलाने सीख जाएंगे उन्हें रोजगार मिलेगा नहीं, पैर में बंदूक उठावेंगे और डकैती डाल लेंगे, युवा खराब कर दिया इन्होंने। 4 साल में बालक क्या कर लगा, मान ले 18 साल तक उसने वो करा, फिर उसके बाद में अच्छा भर्ती हो गया, 4 साल की उसने नौकरी करी, 4 साल बाद में जो है उसके तो कोई रिश्ते वाले आने बोले तो फौजी रिटायर है, उसमें क्या करे, उसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग समझ लो मतलब जो है हथियार चलाने का, और क्या 4 साल में क्या कर लगा वो, कह रहे 25% को फिर हम परमानेंट भी करेंगे वहाँ पे, फायदा भी देंगे और उसके बाद आकर वो सरकारी नौकरी जो भी उसकी होगी वो भी मिल जाएगी उसे, जो इन पूंजीपति की जो फैक्ट्री है इन पे ही नौकरी मिल सकेगी, गार्ड वगैरह की हमें तो लगता नहीं कोई नौकरी हो और मिल जाएगी उन्हें कोई। अच्छा। हाँ मैं नहीं लग रही कोई नौकरी मिल जाएगी, 15 साल की सर्विस जवान की पहले ही थी, 4 साल की कर दी अब 15 साल में से भी। एक बात तो बताओ तो क्या कहाँ से नौकरी दे देंगे, जब सब कुछ प्राइवेट कर दिया इन्होंने, सब कुछ प्राइवेट कर दिया तो नौकरी कहाँ से दे देंगे उन्हें, और वे तो कह रहे हम बदमाशों का सफाया कर रहे, बदमाश पाल रहे, वे बदमाश बनेंगे बच्चे, हथियार चलाना सीख जाएंगे, वे तो तगड़े बदमाश बनेंगे आके, करने खाने को ना कुछ मिलने का नहीं, बदमाशी करेंगे और क्या करेंगे, और किसान किसान बर्बाद है ही, तो कुछ दिन में भूचाल आने वाला बदमाशी का, याद रखियो आने वाला बदमाशी का। क्या नाम है मेरे भाई? नवीन चौधरी। नवीन चौधरी जी, क्या लग रहा भाई साहब, बीजेपी सरकार कह रही काम बेहतर हुए, सुरक्षा व्यवस्था सारी चीजें हमने बढ़िया कर दी, पहले कैराना शामली जब भी नाम आता था, मुजफ्फरनगर नाम आता था, गुंडागर्दी ज्यादा हुआ करती थी, लठ लेकर रात में लोग सोया करते थे, अब भी ऐसे हाल है खत्म हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से पहला मुस्लिम भाईचारा था 2013 में आपस में भिड़ा देते, जब सब होशियार हो गए हैं, हरियाणा में आपने देखा कहाँ है जाट, कहाँ है ट्रैक्टर वाले, कहाँ है ट्रैक्टर वाले, कहाँ है किसान, पुकारा उन लोगों ने कोई नहीं गया, इनके बहकावे में कोई नहीं आने का, जहाँ डबल इंजन की सरकार है वही सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। अच्छा। यूपी की जनता और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता 2013 के दंगे देख के सब समझदार हो गई थी, ये गुंडों की सरकार है, ये लूटना जानती है जनता को, ये तो ये प्लान बनाते हैं कि जनता को लूटना कैसे है, इन पे टैक्स ज्यादा से ज्यादा कैसे लगाया जाए, गन्ना पेमेंट नहीं देते गाँव में, एक बंद हमारे यहाँ पे क्या करते बिजली विभाग वाले, बंदर बहुत ज्यादा है, जरा सा बंदर तार काट जाओ पीछे पीछे में आ लेते हैं, ये हमारे भाई बैठे 80,000 रुपए का पेनल्टी भेज रखा है इनको। अच्छा। बंदर के कट का वो लूट तो है, अब पुलिस आती है घर पे पकड़ो इनको, कहाँ से दे किसान, पेमिट का नहीं आता, फीस नहीं जाती, कहाँ से करे,
बिल कहाँ से जमा करा है? बिल वाले पकड़ते हैं 10,000 रुपये हो जाओ, घर का कनेक्शन काट दो। हमारा सालों का बकाया है, कोई ब्याज नहीं। किसानों को तो बिजली फ्री मिल रही, फिर क्या समस्या आ रही? फ्री मिल रही, एक फ्री दिखा दो। अच्छा, एक फ्री दिखा दो। सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनावी स्टैंड होते हैं। जैसे इनका 15 लाख का मुद्दा था, वही मुद्दा इन्होंने चुनाव में लड़ा था। 15 लाख आए किसी के? आपके आए? किसी का आए हो बताओ? किसी एक की बिजली फ्री हुई हो बताओ? कुछ नहीं फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है, सिवाय सरकारी जुमलों के कोई फ्री नहीं आज। अच्छा, बड़े बड़े होर्डिंग तो लगे हर जगह, वे फ्री है। अच्छा, हर जगह पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे। और रही हमारे प्रदीप साहब की बात, मैंने चुनाव में देखा था, मैं तो शिकल भी भूल गया कैसी थी। अच्छा, कई बार प्रयास करा उनसे मिलने का, कुछ जन समस्याएं थी गाँव में। सामने गली में पानी भरता है, एक घड़नचे हमारे गाँव में एक इंटी भी लगड़ लगाई हो, मिलते ही नहीं। कहाँ है लखनऊ? पहले तो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना विकास हो जाएगा। कैराना में मैंने तो विकास ही विकास कर दिया, कभी सोचा था हाईवे आ जाएगा? हाँ, वे विकास में जो फोटो लगा हुआ है ना, वे अमेरिका की स्वीडन की खींच कर लावा यहाँ चिपका दे ला के फेसबुक पे। अब हमने गली बना दी, एक नहीं कहीं भी। अच्छा, एक नहीं, अगर एक दिखा दो धरातल पे। विकास हुआ है बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के गुंडों का, किसी का और विकास नहीं हुआ। अच्छा, किसान मजदूर हद से ज्यादा परेशान है, त्रस्त आ चुका है सरकार से। अब की बारी सरकार का जड़ से सफाया करेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इकरा हसन क्या यहाँ पे टक्कर दे पाएंगी, मतलब बीजेपी सरकार को अगर तो देखा जाए तो? वो जनता जनार्दन तय करेगी, और जो गठबंधन है इनका इंडिया के नाम से, वो तय करेंगे वो किसे टिकट देंगे। जनता तो बीजेपी के अपोजिट वोट करेगी, चाहे उसमें कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। अच्छा, वो फेस नहीं देखेगी। हाँ, वो ये देखेगी बीजेपी को कौन हरा रहा है। अच्छा, उसमें कोई भी आ जाओ, जो हराएगा उसके साथ उसको वोट देंगे। ठीक है, जो हराएगा उसके साथ। आप भी ऐसे ही है जी, है क्या है? हाँ जी, सबकी गहल है, जनता की गहल। मैं तो प्रदीप जी को, MP साहब को एक बात कहना चाहूँ, बस एक छोटी सी बात है और काम की बात है। जो हमारे गन्ने का मूल्य रेट है 350 रुपये, डॉक्टर के पर्चे का रेट है 600 रुपये, बस हमारे गंडे का रेट डॉक्टर के पर्चे के बराबर करवा दे, हम तो जीव जानेंगे प्रदीप चौधरी को क्या है। हाँ, जब भी हम मामला डॉक्टरों का। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास तो पूरा निपट रहा जी डॉक्टरों का जी, 20 साल हो गए डॉक्टरों के चक्रों में जी। अच्छा, मजे परेशान नहीं, परेशान निकाल नहीं, बस मेरी तो छोटी सी मांग है MP साहब से, जो मिला का आपको मिला आप बता दियो, हमारे किसान के गंडे का जो रेट है वो डॉक्टर के पर्चे की समथिंग करवा दे। जनता दरबार लगा, मैं समस्या बताओ ना जाके, मैं तो नु कह रहे, मैं तो समस्या सुनने ने बैठा। हाँ, लगा वो दरबार आज लोग, हमने तो देखा नहीं कहा वो दरबार है। अच्छा, हमें नहीं कहीं पता भी चला जी, ना हमने उनका चेहरा ही देखा आज लोग का। अच्छा, हाँ, आज तक नहीं दिखा? नहीं 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 देखा जी। अच्छा जी, हाँ, क्या नाम है जी? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, कैसे देख रहे? ये तो सारे कह रहे किसान परेशान है, आप भी परेशान हो या नहीं? ऐसा है, देखो ये जो भाजपा सरकार है जी, ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। अच्छा, किसानों का कोई भी, इन्होंने या जब ये वादे करें इन्होंने 15-14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। अब ये लगा लो पिछले सत्र का दिसंबर का भी पेमेंट नहीं दिया, पूरे सीजन का पेमेंट रह रहा। अच्छा, यहाँ शामली शुगर मिल है, 300 शुगर मिल है, 300 शुगर मिल है शामली मिल में, कोई भी पेमेंट नहीं दे रही, कई साल से नहीं दे रहे। अच्छा, और इसलिए ये आ रहे यहाँ, ये सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री था वही कारण है के आ रहा। अच्छा, और अब तक भी कोई सुधार नहीं है गन्ना पेमेंट में, और अब की बार भी ये मतलब हारा का सांसद। अच्छा, इसी मुद्दे पर आ रहा, किसानों का पेमेंट हो नहीं रहा। बीजेपी कह रही 400 पार है अब की बार, कोई भी होने गई, अब कहते मुझे लगे होने गई नहीं। अब कहते सरकार ये हारेगी पक्का, इन्होंने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वो करे, अब का सब समझ गए भाई, हिंदू मुस्लिम करा के वोट लेना चाह। अच्छा, आपका सब समझ गए, लेकिन बहकावे में कोई आने का नहीं है जी बहकावे में। यह है किसान बेल्ट। हाँ, और यहाँ गन्ने की समस्या सबसे बड़ी है। अच्छा, और इस पे ये कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, ये इसी सरकार में, इससे पहले भी थी समस्या? नहीं, समस्या तो पहले भी थी, पर इतनी नहीं थी जितनी अब है। अच्छा, पहले हो तो जा था, सीजन तो सीजन पर तो पेमेंट हो जाता, लेकिन अब तो दूसरा सीजन चालू हो जाए उसमें भी नहीं होता। तो फरवरी मार्च में लेकर जाएंगे से। अच्छा, और वह वहां तक पेमेंट करेंगे, इतना आधा घंटा किसानों का, दूसरे सीजन का भी चला जा। अच्छा, यह है जी हाँ जी, यह है समस्या सबसे बड़ी। ठीक है, तो आपने देखा ये सभी किसान लोग थे, मैंने इनसे सवाल किया कि अब की बार जो प्रदीप चौधरी यहाँ के सांसद हैं, क्या उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।